हवा खत्म हो गई थी। ये है चेक पोस्ट। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। माइक काम कर रहा है कि नहीं? हाँ, सब कुछ ले लिया। आज है हमारी राइड का day 9। आज डेट है 12 जुलाई। एक और नया दिन, एक और नई जगह और सुहाना मौसम हो रहा है फिलहाल। बस भोलेनाथ जी बारिश मत करना, बाकी सब ठीक। आज हम जा रहे हैं जम्मू। हमने सोचा अगर लद्दाख स्पीति संस्कार नहीं कर पाए तो कोई नहीं, वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लेते हैं। माता की कृपा रही तो क्या पता द्वार खुल जाए आगे के और आगे भी जा सके हम। हवा खत्म हो गई थी, खत्म तो बेसिकली नहीं हुई बट हाँ टायर में हवा कम थी तो हम बड़ी मुश्किल से एक पंचर वाला मिल गया। भैया इसमें 35 पाउंड हवा बढ़नी है। अभी कितनी होगी इसमें? 20। जय श्री राम। अभी लोकेशन हमारी 208 किलोमीटर दूर है। दोनों टायर्स में हवा एक बार फुल करवा दी है। अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं अराउंड 63 किलोमीटर। भूख भी लग रही है, नहीं भी लग रही है। सिचुएशन ऐसी है कि मन कर रहा है कि बस चलते रहो, तकरीबन 100 किलोमीटर हो जाए फिर ब्रेक ले। ये आगे लैंड स्लाइडिंग वाले एरिया, बट ये ज्यादा बड़ा नहीं है। ये यहाँ पे बता रहा है मैप के हिसाब से तकरीबन 500 मीटर है, बट है बड़ा खतरनाक। बहुत संभल के निकलना पड़ेगा। नया जी, पठानकोट से अपन धर्मशाला जा रहे थे ना, तब ये वाला ही तो हाईवे था जो अपने क्रॉस किया था, पूरा पानी भरा हुआ था और अंदर गड्ढों में गाड़ी उछली थी 2-3 बार। और फिर तुमने बोला भी क्या कर रहे हो गरज जी। पठानकोट 35 किलोमीटर मोर टू गो। ये सांझा चूल्हा करके एक दिखा है ढाबा, यहाँ पे रुक के पानी वानी पियेंगे। मुझे लगा नेहा जी ने बिल्कुल छोड़ी नहीं होगी मेरे लिए डार्क चॉकलेट, बट इतनी छोड़ दी, इतनी इसने खा ली। सोचा था खाली वाटर या टी ब्रेक लेंगे, बट टी तो पी नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है, बट थोड़ी भूख लग रही तो हमने सब पकौड़े खा लेते हैं। और पहाड़ों में पकोड़े बड़े क्रंची मिलते हैं यार, यहाँ पे हवा में नमी रहती फिर भी पकोड़े क्रंची है। पठानकोट तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये सेम वही रूट है जिससे हम धर्मशाला गए थे और रात को आए थे। ये यहाँ पे भी काम चल रहा था बट सुन शांत, और आज ट्रैफिक जाम के अंदर फंसते धीरे धीरे गाड़ी धक्का मार के चल रही है आगे। चलो जी ये पहुंच गए हम पठानकोट जलंधर रोड। अब लेंगे हम हमारे ट्रिप का सबसे बड़ा ब्रेक यहाँ पर। हम लोग पठानकोट से जम्मू की तरफ जा रहे हैं। अभी एक जो उधर आपको बाइकर देख रहे होंगे वो JNK के, तो मैंने उनसे पूछा कि आगे रूट का क्या है। व्हीकल्स वगैरह मूवमेंट चल रहा है बट आप थोड़ा घूमते जाओ, तो उन्होंने कुछ जगहों के नाम बताया। तो हम देखते हैं कि अब जम्मू जाके एक वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद क्या प्लान करते हैं, कहाँ जाते क्या नहीं जाते। और हमारे नेहा मैडम को लग रही है बहुत भयंकर गर्मी, ये कह रही चलो 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 एसी में बैठना है मेरे को। हाँ यार, हाँ। मैं इनको बोलता हूँ तुम ऐसे ट्रैवलर कैसे बनोगी, वो बताओ मुझे। भाई साहब हालत खराब हो रही है मेरी, तो नहीं हो रही। अब तुम ऐसे 10 किलोमीटर चले तो मैं कहाँ से होगी। चलो बट सही की हो, मैं मुझे पता ही, मुझे सारा सामान मुझे धोना है। चलो तो ये पिलियन लाते इसलिए ना ताकि वो सामान लेके जाए। बाकी पीछे को दिख रहा है टीन शेड, ये पूरा सोलर प्लेट लगा रखी है। सही आइडिया भाई। तो भाई हम लोग आ गए हैं निक बेकर्स के अंदर, नेहा जी की महंगी बातचीत, ब्लूबेरी शेक भी फ्रेश ब्लूबेरी का, और अपना इधर कोल्ड वीट वाला हॉट डॉग। हम निकल चुके हैं हमारे सफर की ओर। वाटर क्रॉसिंग है, ये है चेक पोस्ट। यहाँ से चालू हो गई जम्मू कश्मीर पुलिस और वहां तक थी पंजाब की। चेक पोस्ट अभी बहुत सिंपल है, जब कोरोना का टाइम था ना तब बहुत खतरनाक सीन था यहाँ पे। ये था कि जो दिख रहे हैं तेरे बने हुए, पहले हमको उस साइड पीछे जाना पड़ता था डिपॉजिट कराने के लिए कि हमारे कोरोना का टेस्ट करवाया हमने वो नेगेटिव है, फिर एक और पर्ची लेनी पड़ती आप कितने लोग हो, गाड़ी कौन सी आपकी वो दो। और अभी तो ये वहाँ जाओ सीधे, कोई पर्ची नहीं भरनी कुछ भी नहीं, बहुत सही सीन है। पुलिस कहती है हेलमेट पहनो, और आगे एक पुलिस वाले भैया चल रहे हैं हमारे बुलेट पे, वो कहते हैं हेलमेट मत पहनो। अभी बज रही है शाम की 4:11 और मौसम हो रहा है कुछ ऐसा मेरे यारा, ऐसा लग रहा है कि बरसेंगे बादल गरज गरज के, क्योंकि खुशबू आ रही है हमें कि आसपास कहीं हुई है बारिश गरज गरज। 76 किलोमीटर्स मोर टू गो जम्मू, और मौसम एकदम से ऐसा हो गया जैसे कि बिगड़ने लगा है कि बारिश होगी जम के। बारिश फाइनली चालू हुई गई और पेट्रोल भी कम, तो सोचा पेट्रोल ही भरवा लें। हालात कुछ ऐसे कि जब लास्ट टाइम को बताया था ना कि बारिश चालू हुई थी पेट्रोल से पहले, तो उसके अंदर क्या है कि हम लोग भीग गए। अपर तो हम भीगे नहीं क्योंकि हमने पहन लिया रेनकोट, लोअर हम दोनों के भीग गए बट मेरी पैंट हल्की हल्की सूखने लग गई। कतरा यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और अराउंड 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। सहारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, भारत माता की जय। जम्मू सिटी से आ गए बाहर, अब ये रोड जा रही है कतरा को। कतरा यहाँ से है अराउंड 37 किलोमीटर दूर, तो लगभग 1.25 घंटा लगेगा, बट रोड की जो कंडीशन देख रही है बढ़िया है तो 1.25 घंटे में पहुँच सकते हैं अगर ट्रैफिक ऐसे क्लियर रहा तो। और ये वही रास्ता है जो श्रीनगर जाने के लिए भी है NH 44, बट अभी श्रीनगर का अपना रास्ता बंद पड़ा है।
ऐसा पति हर बीवी को मिले जो अपनी पत्नी के जूते खोल रहा हो ताकि उसके जूतों में थोड़ी सी हवा जाए और जूते उसके सूखे। ठीक है नैया जी, ऑल सेट, वेलकम, चलें अब आगे। हाँ, ये निकले हम तीसरी टनल से बाहर और घुस रहे हैं हम एक चौथी टनल में जो कि 200 मीटर लंबी है टनल। लगभग 19 मिनट और लगेंगे और यहाँ से माता रानी जी का जो मंदिर है उसकी जो लाइटिंग है देखने स्टार्ट हो चुकी है। बड़ा ही खूबसूरत लग रही है लाइटिंग यहाँ से, काश इस GoPro में दिखती। और अभी भी यहाँ से अराउंड 9.5 किलोमीटर कतरा दूर है। अब ये डिसाइड करना है कि कतरा जाते ही नहा धो के हम निकलेंगे दर्शन करने या अगले दिन सुबह। अब तो कतरा पहुँच के रूम लेंगे तभी पता चलेगा आखिर करना क्या है। हम लोग हमारे होटल कटरा सेफली पहुंच गए। कटरा वो जगह है जहाँ से वैष्णो देवी माता जी के दर्शन के लिए बाय वॉक चढ़ते हैं ऊपर। सही कहा ना? सही कहा, ये क्या है कि दो बार वैष्णो देवी आ चुकी है, मेरा तो पहली बार है तो मैं भोले बालों को कुछ पता नहीं है। भोलेनाथ का भक्त ठहराना, मैं तो भोला हूँ। तो ये हमारे ज्ञानी महाज्ञानी हमारे धर्म पत्नी जी तो जिनसे हम पूछ रहे हैं जो कि अपने बालों के अंदर अभी सीरम लगाने में व्यस्त हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया बाल बनाने के लिए। अपने दो दिन से पागल है, तेरा घूमना कैसे होता है? ना तो यार ट्रैवलर की लाइफ वही होती है, नो फेस वॉश, नो कॉम्ब, ओनली वियरिंग हेलमेट एंड चलिंग ऑन द रोड। इसी के साथ हम भी चलिंग बार, क्योंकि हमको कल चढ़ाई करनी है तो हमें कोई सामान खरीदनी है। तो वो सामान क्या खरीदी है वो अगर मिलती है तो उसके बाद हम कल के व्लॉग में बताती है आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।